करनाल नगर निगम की ओर से वार्ड नंबर 20 गांव उचाना में एक नए ट्यूबवेल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता ने नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 20 के पार्षद भी मौजूद रहे। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए करनाल में रहने वाले गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि वार्ड नंबर 20 उचाना गांव में बड़े दिनों से एक ट्यूबवेल खराब चल रहा था, जिससे लोगों को पीने के पानी के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, परंतु इस ट्यूबवेल के लगने से लोगों को पानी के लिए सुविधा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पर लगभग 17 लाख के करीब खर्च आएगा और एक महीने के अंदर यह कार्य संपूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वह समय समय पर निर्माण कार्य का जायजा लेते रहें, ताकि कार्य की गुणवत्ता परखी जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिस तरह शहरों के विकास पर अपना ध्यान दे रहे हैं, उसी तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास बड़ी तेजी से किया जा रहा है। इसके गांव उचाना में जो ये कार्य हुआ है, इसकी बहुत समय से डिमांड थी, क्योंकि गांव में दो ट्यूबवेल थे तो दोनों बैठ गए, दोनों बहुत खराब हो चुके थे। उसके बाद हमारे गांव में उचाना के अंदर कॉलोनी थी, कॉलोनी में पानी बिल्कुल नहीं जा पा रहा था। इसके लगने से कॉलोनी में पानी की समस्या खत्म हो गई और साथ में गाँव उचाना में ट्यूबवेल के होने से पानी की समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए मैं नगर निगम करनाल और मेयर मैडम हमारी मेयर मैडम गुप्ता जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद। जल का निर्माण कार्य शुरू में किया, क्या कहेंगे? आज हमारे उचाना गांव में एक ट्यूबवेल की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लोगों की बड़ी समस्या थी पीने के पानी की। वो ट्यूबवेल बैठ गया था, उसकी जगह एक नए ट्यूबवेल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यहाँ के पार्षद भाई मोनू ने लोगों की डिमांड को हमारे आगे रखा और लोगों को जिस तरह की सुविधा पीने के पानी की होनी चाहिए उसकी हम देने के प्रयास करेंगे। आज ये 17 लाख का इसका है ट्यूबवेल का एस्टिमेट, जिसमें कि इसका कनेक्शन, इसका सारा चैम्बर बनना, मोटर लगना सारा काम है। लगभग एक महीने में ये काम पूरा भी हो जाएगा। लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो काम को चेक करते रहें, ताकि ये काम ठीक ठाक होता रहे और लोगों को जल्दी से जल्दी ये सुविधा दे सके। जिस तरह से हमारे शहर की व्यवस्था को बदला है, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि ग्रामीण जो एरिया हमारे शहर के बीच में आया है, वहाँ पर भी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। उसमें हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लोगों से सहयोग की उम्मीद करते हैं और लोगों से ये भी उम्मीद करते हैं कि वो काम को चेक करते रहें, हमें कुछ कमी हो तो जरूर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.